नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आज ऑपरेशन क्लीन लाहौर में, और इस ऑपरेशन के तहत एक पेट्रोल पंप जो है वो सील किया गया है, और टैक्सी का अड्डा था और उसमें कनालों की जगह थी उसको वागजार करवाया गया है। ये भी आज के ऑपरेशन क्लीन लाहौर का आज का मिशन था, आज का जो टास्क था, आज जो डेडलाइन दी गई थी उसमें शामिल है। ये तमाम मछली मार्केट की जगह थी और यहाँ पर पानी, गंदा पानी, खून आलूद पानी, गटर का पानी, फिजाई आलूदगी, मक्खियाँ, मच्छर और बदबू, ये जगह यहाँ पर थी। और अभी कुछ सूरत हाल जो है वो ठीक लग रही है, और जो बेहतर सूरत हाल है उसको अभी देर लगेगी, यानी यहाँ पर जो कल्चर था उसको जाते जाते देर लगेगी। और ये अभी भी पॉसिबल है या नहीं है ये भी एक सवालिया निशान है। यानी अब ये जो है 1921 से गालिबन मछली मार्केट है, और आज आप 2018 में आके ऑपरेशन करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप उस इतने सालों का कल्चर यहाँ से उठा लेंगे एक दिन में? मदीहा, ये ऑपरेशन जो है ना, इनका हफ्तावार, महीनावार, सालाना ये चलते रहते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं अपने ऑपरेशन की। हमने ऑपरेशन तो किया, मगर देखें कि यहाँ पे कहाँ पे इनका कैंप, कोई कैंप नहीं लगा हुआ, फॉलो ऑपरेशन कोई नहीं हो रहा। यहाँ पे कैंप लगा होता तमाम महकमों के एक एक बंदा फोकल पर्सन यहाँ पे मौजूद होता। पट्टू साहब कहाँ गए, उनसे पूछते हैं कैंप कहाँ है। पट्टू साहब पीछे हमारे मौजूद हैं, उनसे ही बात करें कि कैंप कहाँ पे है, लाइट महकमे कहाँ पे बैठे हुए हैं। ये तो ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया गया है, रजिस्टर करवाने के लिए किया गया है। इस ऑपरेशन में तो मजा ही नहीं आया बिल्कुल। ये देखिए बाहर फिश का अड्डा फिर लग गया है, और ये देखें ये हमारे पीछे एक अड्डा लगा हुआ है वो भी लग गया है, ये सारे अड्डे, ये देखे बैग भी बाहर लग गए। इतना बड़ा फुटपाथ है, ये गालिबन एक सर्विस लेन है, ये सर्विस लेन है, और यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगी कि आप सर्विस लेन के अंदर चल भी पाए या अपनी गाड़ी भी पार्क कर पाए। तमाम तर जो फुटपाथ है ऑक्यूपाइड है, फुली ऑक्यूपाइड है, कुछ कोई चीज नहीं। ये फुटपाथ है और इसके ऊपर अगर मैंने चलना है तो आप दूर तक तहद्दे निगाह देख सकते हैं कि कितना ज्यादा लोगों ने ऑक्यूपाई किया हुआ फुटपाथ। अगर कैमरामैन दिखाए तो ये देखें, ये फुटपाथ तो सारा इन्होंने मला हुआ है चलने फिरने की जगह। जो हमारे मोजिस जज हैं उन्होंने भी कल यही कहा कि लोगों को जो चलने फिरने के लिए फुटपाथ है उनको खाली करवाया जाए। ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, और इसके साथ साथ देखें ये स्टैंड है, ये बैग का स्टैंड रख दिया है, इसके साथ साथ उसको सारा पैकअप किया हुआ है। कहाँ पे है यहाँ पे रेगुलेशन अफसरान, ये एक ऑपरेशन करना था जाके चले गए हैं, और इसके बाद कोई कैंप भी नहीं लगा, कोई यहाँ पर लोग नहीं आए। वोटू साहब ये बताएं कि यहाँ पर आपको कैंप लगाना चाहिए था, लोग तो फिर बाहर आ गए हैं, तो ये तो आपने कोई ऑपरेशन नहीं किया, ये तो सिर्फ आपने अफसरान को दिखाया है कि हमने रजिस्टर्ड करवा दिया ऑपरेशन। ये ऑपरेशन का तो मजा नहीं आ रहा यहाँ पे, तो फिर वैसे ही आके लोग बैठे हुए हैं, बड़ा जवान है अपनी जगह। देखें देखें ये जो बैठे हैं दुकानदार, ये इनकी नेचर है। अब इनके खिलाफ जो है ना हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। एक बार हम सामान उठाते हैं, जब ट्रक आता है तो ये अंदर ले जाते हैं सामान, उसके बाद जो है ना फिर ये बाहर रख देते हैं। अब देखें ये मार्केट, फिश मार्केट को हमने क्लियर कराया था कि यहाँ फिश नहीं होगी, इनके लिए जो है ना आप हमें एक अलहदा कैंप लगाएं, हर मार्केट में एक हम कैंप लगाते जाएं। जाए साहब ने कहा था कि जो भी आपकी रास्ते में रुकावट बने उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दें। तो ये देखें ये 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 ठेला देख लें, दिखाएं जी कैमरामैन साहब, ये दिखाएं, ये एक ठेला है और इनकी पीछे इतनी बड़ी शॉप है, और बाइट मछली जो है, जरा मैं ये मछली वाले से बात करती हूँ, मेरे ऊपर ऑयल नहीं फेंकना, मैं आपके ऊपर प्रोग्राम कर रही हूँ, ये ना हो कि आप जो है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। कैसे दे रहे हैं मछली? 600 रुपए किलो है। 600 रुपए किलो, ठीक है। दुकान आपके पीछे अपनी है? जी अपनी है। तो सड़क पे बैठने का शौक है? साफ़ दुकान के बाहर ही अड्डा लगाना है, और दुकान के बीच तो नहीं लगाना, ये माइंडसेट है। अब यहाँ से हम हट जाते हैं क्योंकि बहुत गर्म तेल है, जरा उधर चलते हैं। हाँ जी, यही मछली फरोश की कुर्सियाँ जो है, रात को 150-200 कुर्सी बाहर लग जानी है इस लाइन पर, और यहाँ पर बकायदा तौर पर एक बाजार सजा होगा। ये देखें ऊपर ये बल्ब लगे हुए हैं, ये इसी मछली फरोश के, ये रात को इन बल्बों के ऊपर जो है रोशनी करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 100-150 कुर्सी लग जाएगी, जो लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर खा रहे होंगे। इनको पकड़ते हैं सर, ये कल्चर बना लिया आपने सड़क ऑक्यूपाई करने का। ये गरीब जितने लोग हैं, हमने इतनी बड़ी दुकान गरीब की होती, 5 साल से हम फाइल के पीछे लगे हुए हैं। ये गलत सवाल गंदम जवाब चला ना दीजिए ना, बात नहीं करे, ये तो बना रहा है। ये देखें
ये गरीब अपनी रोजी की खातर, ये गरीब अपनी रोजी की खातर कहीं भी बैठ भाई के जान, हम तो ये बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये जो है ये ठेला ठेले लगे हुए हैं बाहर, ये क्यों लगा कर बैठे हुए हैं? लोगों को चलने फिरने का जो सहल रास्ता है वो आपने बंद कर दिया। ये तो पहले के लगे हुए थे ना, आज से नहीं, 10 साल से लगे हुए थे। तो 10 साल से लगे हुए, उसने खुद लगाया ला कर, पीछे दुकान है उसकी। 10 साल से लगे हुए हैं पहले से, ऐसी कोई बात नहीं। वटू साहब मुझे बताएं, आप पर्चा दें इनके ऊपर फौरी तौर पर, अभी पर्चा दें लाहौर न्यूज के तवासा से। और ये आज ये देखें, हम इनका कोई रिस्क बंद नहीं करना चाह रहे, मगर मकसद ये है कि जब जज साहब ने कह दिया तो आपको पर्चे देने चाहिए। यहाँ पर तो लोग बाहर साहब, उनकी एक दुकान है इतनी बड़ी माशाल्लाह, और दुकान है आगे आकर वो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर तो अब यही आपने जो बात की है कि सबसे अहम बात यही है कि इनके माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है, इन लोगों की जो है ना एक एजुकेशन की जरूरत है। अब अपनी दुकान को उसने खाली रखा हुआ है और रोड के ऊपर फुटपाथ के ऊपर जो है ना सारा सामान लगाकर जो है ना वो सेल कर रहा है, हालांकि ये अंदर बैठे तो सारी चीज़ें वहाँ भी जो है ना सेल हो सकती हैं। इन लोगों को जो है ना एक आप जो बात कर रहे हैं कि पर्चा दें, FIR कराएं, अब साफ ज़ाहिर है कि जब ये इस तरह हमें नहीं मानेंगे सुनेंगे तो फिर इनके खिलाफ हम FIR की हद तक भी जाएंगे। तो ये तो आपको लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब कह चुके हैं कि जो बात नहीं मान रहा उसके ऊपर आप दहशतगर्दी का पर्चा काटें। ये इस मार्केट के सदर हैं, इनको नहीं, जो भी आप आकर उनको डिफेंड तो कर रहे हैं ना, आप पार्टी हैं तो आपको इस तरह डिफेंड तो नहीं करना चाहिए। एक गलत चीज को आप डिफेंड करते जा रहे हैं। गलत चीज को कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन ये स्टार्ट 10 साल से गरीब एक काम रोजी का ठेला लगा है, उसको समझाने की जरूरत है कि ऐसा नहीं करना। 10 साल का मतलब ये होता है कि जगह इनकी हो गई है, बताए ना, ये जगह इनकी तो नहीं है। 10 साल से हम पिट रहे हैं। देखिए आपने सुबह ऑपरेशन किया, आपने पूरे शहर में बताया कि हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया, और ये पहले वाली हुकूमत बाद वाली हुकूमत को बात छोड़ दें, हम इसको कानून की बात करते हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है आपका महकमा बल्दियात का? सेक्शन 4 ये कहता है कि आपने कोई भी जो भी फुटपाथ हैं उनको क्लियर करवाना है, और कहीं पे भी ठीले वगैरह कोई तजावजात हो, कहीं भी कानूनी कार्रवाई सेक्शन 4 के तहत होगी, और इसके ऊपर पर्चा भी आपने देना है। अब ये देखिए, एक नहीं है, आगे भी लगे हुए हैं। अच्छा, तो मेरे भाई आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, 10 साल से अगर कहीं शराब की भट्टी है तो आप कहेंगे कि चलने दे सर, ये तो 10 साल से इसका कारोबार है, वो गलत है, ये भी तो गलत है, इसको माने अब आप, ये गलत है, एडमिट करें। लेकिन हम जो पिट रहे हैं, हम भी तो पाकिस्तान के अवाम हैं, हम भी तो टैक्स पे करते हैं, हमें क्यों नहीं जगह देते? हम पिट रहे हैं, हम सड़क पे बैठने का टैक्स देते हैं, हमें बाहर सड़क पे बैठने का नहीं, हम पाकिस्तान के किसी जो हम बिल अदा करें उसके टैक्स नहीं भाई दे रहे। जान सड़क पे बैठने का टैक्स नहीं होता, पाकिस्तान के भाई, पाकिस्तान के बंदे हैं हम, इधर के रहने वाले। बट्टू साहब, ये जो चैलेंज है ना सबसे बड़ा, ये माइंड सेट का, ये कैसे आप चेंज करेंगे? देखें, ये दो रास्ते हैं, एक तो ये है कि हमारे जैसे बाहर के मुल्कों में ये है कि लोगों के अंदर जो है ना कानून के मुताबिक जो है ना अपना अमल करते हैं, अपने जो है ना जिंदगियों में, अपने माशरे में उनकी तरबियत जो हुई है, और इसी तरह जो है ना यहाँ भी एक जो है ना एजुकेशन और तरबियत की ज़रूरत है, और इसको बहुत देर लगेगी। दूसरा जो है कि कानून अपनी जगह मौजूद है, अब कानून के ऊपर जो है ना अमल कराना और कानून को जो है ना हरकत में लाना, साफ ज़ाहिर है कि जो लोकल गवर्नमेंट हमारा इदारा है कि अगर ये लोग इस तरह रहेंगे तो फिर साफ ज़ाहिर है कि हमारे पास आप अभी जिस जगह पे हम चल रहे हैं यहाँ भी मछलियाँ थी, ये सारी जो है ना यहाँ जिस जगह हम फिर रहे हैं ये सारी यहाँ तक जो है ना फिश मार्केट कराई, ये सारी जो है ना सुबह हमने क्लियर कराई थी। आप देखें ये रेडी वाले या ठेले वाले या जो है ना ये जो है ना यहाँ आकर बैठ गए हैं, अभी अभी ये आपके सामने जो है ना ये लगा नाश्ते वाले नहीं है, ये सुबह जो है ना शाम को जो है ना ये अपना इस तरह निकालते हैं जब रश आवर होते हैं। अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये चलें जी, नाश्ते वाले हैं यहाँ पे नाश्ता लगाते हैं भाई, ये देखें ये 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 इसके साथ इस फ्रीजर को बांध के जाएंगे, और इस ये जो यहाँ पर इन्होंने अपना छोटा सा काउंटर बनाया हुआ है लकड़ी का, इसके ऊपर बैठेंगे, आगे डिस्का लगाएंगे, जो भी चने बेचें, पाए बेचें, जो भी बेचें, मगर है तो गैर कानूनी, ये फुटपाथ है, फुटपाथ के निकलने की गुजरने की जगह नहीं बची, और इस खंभे का सहारा लेकर उन्होंने अपना फ्रीजर भी सेट कर लिया है, और इसके साथ किसी को आप बात आप रोज नुमाइंदगी करते हैं लाहौर न्यूज की, आप रिपोर्टिंग करते हैं, आर यू होपलेस और होपफुल? ये जो चीजें हैं तजावजात, इसके खिलाफ होपलेस है या होपफुल? मैं होपफुल तब हूँगा जब यहाँ पर आकर कमिश्नर साहब खड़े हों और मैं भी देखूंगा कि यहाँ पे कौन से तजावजात लगते हैं। जारी बात है, जो से अफसरान आए होते हैं इनके ही पास तक बात होती है, वो अगली बात आगे जाती नहीं है। और ये देखें, ये कुर्सियाँ बाहर आ गई हैं, अब ये देखें कुर्सियाँ, ये सारे ये ठीले बाहर आ गए हैं, ये सारा ये देखिए सारा ये क्या है, ये सब ये जो है ये जमीन जो है। अच्छा, ये एक नलका मुझे नजर आ रहा है, ये पानी, ये मुझे बताइए कि ये इसका इसका मीटर होगा, इसका बिल आया करेगा, ये किस तरह लगा है?
हाँ। अभी किसी से आप पूछेंगे कोई मानेगा नहीं, और साथ ही सीवरेज का पानी है। मकसद ये है कि जब तक हम एक दूसरे की इसका बिल तो नहीं आता होगा किसी, देखिए जिसने ये नलका लगवाया है जारी बात है वो किसी पीछे दुकानदार को बिल ही आता होगा ना। देखिए ऊपर इतना ज्यादा ऊपर हमारे देखिए कितना इस वक्त बिजली का तारे हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और नीचे कारोबार देखें कोई उठाने वाला नहीं है। और बट्टू साहब जो हैं वो इस पूरे लाहौर के हेड हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी तक उनकी टीम नहीं यहाँ पे पहुंची कि यहाँ से कोई बंदे यहाँ पर इनको भगाया जाए। ताकि कमिश्नर साहब कब आते हैं, कब आए हैं वो किसी ऑपरेशन में हिस्सा लेने? नहीं, कमिश्नर साहब भी जो है ना मुख्तलिफ ऑपरेशन को जो है ना सुपरवाइज कर रहे हैं, सुपरवाइज ग्राउंड 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 जीरो पर आके करते हैं, रोजाना की रिपोर्ट जो है ना दी जाती है। नहीं 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 नहीं, सवाल मेरा ये था वो ग्राउंड जीरो पर कब आए? ग्राउंड जीरो पर भी बहरिया में हमारे जो ऑपरेशन हुए हैं उधर बहरिया गए जी जी, वहाँ क्यों यहाँ क्यों नहीं आए? बाकी जगहों पर भी जो ऑपरेशन हुए हैं वहाँ भी जो है ना वो खुद गए। अच्छा बट्टू साहब सुपरवाइज करना अलग बात है, मैं कह रही हूँ ग्राउंड जीरो पर कभी आए? ग्राउंड जीरो पे कमिश्नर साहब कभी भी नहीं आए, सिर्फ एक ऑपरेशन में आए थे रिंग रोड अथॉरिटी का, वो जमीन का मसला था, वो वाकजरा करवाई और उन्होंने बहुत हैवी ऑपरेशन वो किया था। मगर ये चाहे छोटे ऑपरेशन है, ये 19वें ग्रेड के ऑफिसर हैं वड्डू साहब, और इनका तो एक पेंसिल की जो दस्तखत है वो ही जो है वो खत्म नहीं होते। ये देखिए आपके सामने बैग लटक रहे हैं, ये कहाँ से, ये सुबह नहीं थे, ये बिल्कुल क्लियर था यहाँ पर जैसे ये गए हैं। और उसके बाद मकसद अब ना प्रोग्राम के इस पॉइंट के ऊपर मुझे अब दुकानदारों से बात करते हुए शर्मिंदगी होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं उनका कोई हक मार रही हूँ। वही कहेंगे जी हमने वोट नून लीग को डाला है, तरीके साहब वाले बदला ले रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। बात जो है अगर देखा जाए तो इनकी अल्लाह ताला ने इनको दुकान दी है, ये दुकान में बैठे, इनको भी तंगी ना हो। मगर वट्टू साहब से मैं ये कहूंगा ये मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन के रेगुलेशन ऑफिसर हैं और इनका इधर एक कैंप लगना चाहिए था। सुबह इन्होंने दो लोडर लेकर आए हैं, एक बड़ी मशीनरी लेकर आए हैं, छह ट्रक थे इनके साथ, सारा इन्होंने ऑपरेशन किया। मुझे पता है बहुत मुश्किल हालात में इन्होंने सुबह ऑपरेशन किया। कमेंट वट्टू साहब से लेंगे, वट्टू साहब अब क्या होने जा रहा है? आज आपने ऑपरेशन कर लिया, वापस लोग आ रहे हैं, जोग दर जोग वापस आ जाएंगे, कल वैसे ही फिश मार्केट लगेगी, फिर क्या करेंगे? देखें जी जो फिश मार्केट का इशू है उसको तो हम दोबारा उस जगह नहीं लगने देंगे। ये तो एक जो है ना फिश मार्केट कैंप तो आपने लगाया नहीं, तो ये कैसे होगा? मार्केट वाले भी सुन लें और बाकी भी जो है सुन लें। बट्टू साहब आपने कैंप तो लगाया नहीं, कैसे मुमकिन होगा? कैंप भी जो है ना सुबह हमारा जो है ना यहाँ इंस्टॉल होगा, क्योंकि आज हमारे जो है ना सारे वो लड़के जो है ना काम कर रहे हैं, जो ऑपरेशन था उसके मुताबिक वो सामान शमान लोड अनलोड करने गए हुए हैं, कैंप भी हम लगाएंगे। बाकी जो सबसे बड़ा इशू जो है ये जगह जो है ना रश वाला एरिया है, सर्कुलर रोड और बाटी और ये लोहारी और जो है ना ये शालमी, यहाँ इतना रश होता है वाकई जो है ना ये दुकानदार जो हैं इनको एक एजुकेशन की भी जरूरत है, इनकी अंजमन ताजरान के साथ भी हमारी लॉ पढ़ाने की बिठा के पढ़ाइए कि कानून क्या है। जी कानून अपनी जगह बिल्कुल जो है ना लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत इनके खिलाफ जो है ना पर्चा भी दर्ज कराया जा सकता है। 124 नॉन लीग का गढ़ है, रिसेंटली वो यहाँ से जीते हैं और यहाँ पर जीते हैं, मगर ये बात नहीं है कि ये तजावजत का ऑपरेशन इलेक्शन के बाद कर किया जा रहा है। मिशन क्लीन लाहौर तो पहले शुरू हुआ, मगर जिमनी इलेक्शन की वजह से ऑपरेशन इसलिए बंद किया गया ताकि ये लोग ना कहें कि जी वोट खराब करने के लिए आ गए हैं। मगर मकसद ये है कि अब आपके पास पावर भी है, आपके पास मशीनरी का इस्तेमाल भी है, और सबसे बड़ी बात कि हाई कोर्ट कह रही है कि आप फुटपाथ खाली करवाएं। अब फुटपाथ ये देखिए इतने बड़े बैग लटक रहे हैं, अब ये किससे करवाने हैं? ये तो इनको जब डायरेक्शन आ जाए। एक सवालिया निशान है जुबैर वट्टू साहब, आप अपने जो जिम्मेदारियां बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, आपका प्रोग्राम है हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। इमरान मलिक साहब आप अपनी जिम्मेदारी बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, आपका भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। आखिरी नोट ये कुछ कहना चाह रहे हैं शहरी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा हूँ ये जो उनसे आदमी है इनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, ये अगर ये मजदूरी करके नहीं खाएंगे यहाँ पर तो चोरियां डकैतियां करेंगे ये। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन ये एक माइंडसेट है सोसाइटी का कि हमें सड़क के ऊपर फुटपाथ के ऊपर सामान रख के फरोख्त करने दिया जाए, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे, ये एक कॉन्सेप्ट बन चुका है। लेकिन ये किसी का हक नहीं मारा जा रहा है, ये कोई जबरी निज़ाम नहीं है, ये कानूनियत है और कानून की इम्प्लीमेंटेशन की एक कोशिश है। यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अख्तिताम में इस नोट पे करूँगी कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने जो अहकाम जारी किए गए थे आज अपने प्रोग्राम में साफ साफ बता चुकी हूँ कि उस पर कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है और कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा।
इसी तरह से फुटपाथ के ऊपर और सड़कों के ऊपर रख के जो मछलियाँ हैं यहाँ पे बेची जा रही हैं, और जब भी ऑपरेशन होता है ये गायब हो जाते हैं, जब भी ऑपरेशन करने वाले लोग यहाँ से चले जाते हैं ये लोग दोबारा से नमूदार हो जाते हैं। क्या ये आंख मचोली इसी तरह से ही चलती रहेगी? क्या कमिश्नर साहब खुद संजीदा होंगे और ग्राउंड जीरो पर आकर ऑपरेशन में हिस्सा लेने की कभी कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? और जो लाहौर हाईकोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कब इम्प्लीमेंटेशन होगा ये एक सवाल निशान है। अलबत्ता प्रोग्राम में तमाम तर कहानी आपको ग्राउंड जीरो से सुना चुकी हूँ। आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।